बहुत ही तेजी के साथ एक शेर पढ़ता हूँ कि ताकते इश्के नबी दिखलाऊं क्या। अहमद भाई एक शेर सुनिएगा कि ताकते इश्के नबी दिखलाऊं क्या, ताकते इश्के नबी दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं जमीन पर लाऊं क्या, ताकते इश्के नबी दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं जमीन पर लाऊं क्या, और हर नफस दीदार को तड़पे है मेरा दिल, या नबी मैं क्या करूं मर जाऊं क्या। दीदार को तड़पे है मेरा दिल, या नबी मैं क्या करूं मर जाऊं क्या, या नबी मैं क्या करूं मर जाऊं क्या। दिल्ली से एक मिसरा आया था, गजल का मिसरा था कि जुगनू मियां के पास खजाना तो है नहीं, जुगनू मियां के पास खजाना तो है नहीं, एक आशिके रसूल ने इसको नात के मिसरों में रकम करने की कोशिश की और कहा हे बाबू बिल्कुल खामोश हो जाओ, जाना तो उसने खूब है माना तो है नहीं, अबू जहल नबी को जानता तो था लेकिन मानता नहीं था, अबू लहब नबी को जानता तो था मानता नहीं था, क्या बात है, उतबा नबी को जानता तो था मानता नहीं था, शैबा नबी को जानता तो था मानता नहीं था। तो शायर ने मतलब की शक्ल में शेर कहा कि जाना तो उसने खूब है माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का दीवाना तो है। कि जाना तो उसने खूब है माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का दीवाना तो है नहीं, और नाते रसूले पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं, दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं। और सदरे मुशायरा कमेटी हजरत अलहाज अंसार अहमद अंसारी साहब, जिन्होंने अपनी नंगी आंखों से अपने माथे की निगाहों से गुंबदे खजरा का नजारा किया है, मैं इनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूं कि जाना तो उसने खूब है माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का दीवाना तो है नहीं, नाते रसूले पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं, और इस बार घर से ये निकलना है सोचकर, इस बार घर से ये निकलना है सोचकर, वापस नबी के शहर से आना तो है नहीं, निकलना है सोचकर वापस नबी के शहर से आना तो है नहीं। और क्यों दाद मुझको नहीं देते सामीन, मेरा कोई भी शेर पुराना तो है नहीं, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान, क्यों दाद मुझको नहीं देते सामीन, मेरा कोई भी शेर पुराना तो है नहीं, जाना तो उसने खूब है माना तो है नहीं, दाना है वो नबी का दीवाना तो है नहीं, नाते रसूले पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं, इस बार घर से ये निकलना है सोचकर, वापस नबी के शहर से आना तो है नहीं, और अब भी हुसैनियत का है बाकी वही मिजाज, अब भी हुसैनियत का है बाकी वही मिजाज, कट जाए सर बला से झुकाना तो है नहीं, अब भी हुसैनियत का है बाकी वही मिजाज, कट जाए सर बला से झुकाना तो है नहीं, और मैं हूँ रजा का तीर चलूंगा हर एक तरफ, मैं हूँ रजा का तीर चलूंगा हर एक तरफ, मेरा किसी पे खास निशाना तो है नहीं, चलूंगा हर एक तरफ मेरा किसी पे खास निशाना तो है नहीं। माशाल्लाह आपकी समातें बड़ी बेदार हैं और
आपकी भरपूर दुआएं मुझ तक पहुंच रही हैं। आपका जो मेयार है आप ये नहीं देखते कि कौन कह रहा है, बल्कि आपका मेयार जो है वो ये है कि क्या कहा जा रहा है। कौन पढ़ रहा है यहाँ ये नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या पढ़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम तर हजरात का, शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से कि आपने, कल मैं भी आप ही की तरह उसी जगह पर बैठकर मुशायरा सुना करता था और यही पीर आले शाह अलैहि रहमा का दरार है, जहाँ मैंने अपने इब्तदाई दौर में नातिया मुशायरे की दूसरी निजामत उसी आस्ताने के अंदर बिल्कुल रोजे के करीब में मिंबर लगा हुआ था, वहीं पे मुझे निजामत करने का शर्फ हासिल हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज इस खूबसूरत माहौल में एक जिम्मेदार नकीब की जगह, जिनको सुन सुन कर, जिनकी निजामत को सुन सुन कर कुछ 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 सीखने का जज्बा पैदा हुआ, और बिहम्द ही ताला आज उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जगह को पुर करना पड़ रहा है। एक शेर और पढ़ लूं इजाजत है तो? एक मतबा दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करें और कह दें या अली, और बुलंदी के साथ कुछ हाथ बाकी हैं वो भी अपने हाथों को मौला अली के नाम पर खोलें और बुलंद आवाज में बोले या अली। शेर बताऊं कि अब करना मुसलमान तू आराम छोड़ दे, अब करना मुसलमान तू आराम छोड़ दे, नुकसान जिससे दी को है वो काम छोड़ दे, अब करना मुसलमान तू आराम छोड़ दे, नुकसान जिससे दी को है वो काम छोड़ दे, और बुनियाद है नमाज की मौला अली का लाल, मौला अली का लाल, या तू अली को मान या इस्लाम छोड़ दे। बुनियाद है नमाज, बहुत अच्छा अच्छा शेर कह रहे हैं अली का लाल, सुभान अल्लाह सुभान, बुनियाद है नमाज की मौला अली का लाल, बुनियाद है नमाज की मौला अली का लाल, अब कर दोबारा पढ़ने का हुक्म हो रहा है, अब करना मुसलमान तू आराम छोड़ दे, नुकसान जिसे दी को है वो काम छोड़ दे, अब बुनियाद है नमाज की मौला अली का लाल, या तू अली को मान या इस्लाम छोड़ दे। तो आइए अब बहुत ही तेजी के साथ, या रब मेरे हुनर को तू ऐसा कमाल दे, नाते नबी के सदके में रिज़्क़े हलाल दे, और अमरीका भी ना बना सका ऐसा एटीएम जो एक शेर पे ही नोट 10 का निकाल दे, अमरीका भी ना बना सका ऐसा एटीएम जो एक शेर पे ही नोट 10 का निकाल दे। आइए अब बहुत ही तेजी के साथ मैं एक खूबसूरत मद्दाहे रसूल को आपकी समातों से करीब करता हूँ, जो आपके दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा तशरीफ लाया हुआ है। आपकी बड़ी तारीफें उस अजीम मद्दाहे रसूल ने बड़े भाई ऐमन मोहम्मदाबादी की जबानी सुनी है, और वही आपकी मोहब्बतें अपने दामन में इकट्ठा करने के लिए मोहम्मदाबाद की सरजमी से तशरीफ लाया हुआ हमारा मेहमान मद्दाहे रसूल, जिन्हें हम और आप खारी सरफराज मोहम्मदाबादी के नाम से मौसूम किया करते हैं, मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशआर से हम तमाम सामईन को नवाजें। हर मर्ज की दवा तो लुआबे रसूल है, हर मर्ज की दवा तो लुआबे रसूल है, मिक्सचर यही है और यही कैप्सूल है, हर मर्ज की दवा तो लुआबे रसूल है, मिक्सचर यही है और यही कैप्सूल है, और हो जाओ गर मरीज तो सल्ले अला पढ़ो, हो जाओ गर मरीज तो सल्ले अला पढ़ो, टॉनिक यही है और यही बी का सूल है,
यही बी का सूल है, हो जाओ गर मरीज तो सल्ले अला पढ़ो, टॉनिक यही है और यही बी का सूल है। ना शरीफ को जिस अंदाज में पढ़ना चाहिए, जिस अदबो एहतराम के साथ पढ़ना चाहिए, वो हक अदा कर रहे थे। बड़े भाई मोहतरम कारी सरफराज मोहम्मद आबादी साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी निगाह देख रही है कि कुछ जगह खाली है, इनको पुर कर लें, फिर उसके बाद मैं एक शेर सुनाऊंगा और उसके बाद आपका हरदिल अजीज शायर आपकी समातों तक पहुँचेगा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ जगह खाली है, वहाँ भी है यहाँ भी है, जहाँ जहाँ जगह खाली है आप उनको पुर कर लें, करीब करीब थोड़ा सा आ जाए ताकि एक सुनने सुनाने का जो माहौल आपने दिया है वो बाकी रह जाए। शकील आरफी फर्रुख आबादी ने एक शेर कहा था, हाजी साहब शेर सुनिएगा, मुशायरा कमेटी के तमाम तर हजरात को के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ कि जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, और तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो काबे से मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे, और जबान से कह तो सकते हो, हुसैनी है, जबान से कह तो सकते हो, हुसैनी है, जबान से कह तो सकते हो, हुसैनी है, तुम आंसुओं का खजाना कहाँ से लाओगे, जबान से कह तो सकते हो, हुसैनी है, जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, और तमाम उम्र पुकारो आसान काबे से मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे, और तमाम उम्र पुकारो आसान काबे से मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे, और जबान से कह तो सकते हो हुसैनी है, तुम आंसुओं का खजाना कहाँ से लाओगे, और नबी के दीन पर, नबी के दीन पर मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पर मिटने की बात करते हो, मियां हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे, नबी के दीन पर मिटने की बात करते हो, मियां हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। शेर की फरमाइश हुई थी, वो अहले स्टेज की दुआएं लेता हुआ ये शेर पढ़ता हूं कि सिर्फ फुंगी ही नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, सिर्फ फुंगी ही नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा, सिर्फ फुंगी ही नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा, और पीर आला शाह की न करना कभी तुम गुस्ताखी वरना जिन्ना पकड़ लेगा बहुत मारेगा। सिर्फ फुंगी ही नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा, पीर आला शाह की न करना कभी तुम गुस्ताखी वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। अभी हमें और आपको बड़ी अच्छी अच्छी फिक्र के मालिकान को समाप्त करना है, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान में जब किसी अच्छी रदीफ में शेर कहे जाते हैं तो असातज़ाए किराम की जमात में एक बहार आती है। कुछ दिनों पहले शहरे कानपुर में कानपुर से एक रदीफ निकली, बस
तो अलाहाबाद के एक शायर ने कहा कि जानिबे दोजक फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, कि जानिबे दोजक फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुम्बदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस। और ये बस का माना कभी ठहरने के, कभी रोकने के, कभी कम करने के, और कभी सफर करने वाले बस से मुराद लिया जाता है। अलग अलग शोराए किराम ने अलग अलग माने के साथ शेर रकम किए। अलाहाबाद का शायर कहता है कि जानिबे दोजक फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुम्बदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस, तो ये जमीन हैदराबाद पहुंची। तो हैदराबाद से आवाज आती है कि गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं जमीन पर इतने शहदाई के बस। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं जमीन पर इतने शहदाई के बस, अब ये जमीन पहुंची मालेगांव। तो मालेगांव के शायर ने कहा कि रिजवान ने मुझसे पूछा, शजरा दिखाइए, रिजवान ने मुझसे पूछा शजरा दिखाइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत कहां के बस, रिजवान ने मुझसे पूछा शजरा दिखाइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत कहा के बस। तो अभी तक कम रोकना ठहरने का माना इस्तेमाल हुआ। अब बुरहान शायर ने कहा, बड़ी वाली बस का इस्तेमाल किया। अलाहाबाद का शायर कहता है कि जानिबे दोजक फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुम्बदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस, हैदराबाद से आवाज आई, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हर जमीन पर इतने शहदाई के बस, मालेगांव से आवाज आई, रिजवान ने मुझसे पूछा शजरा दिखाइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत कहा के बस। अब्दुल रहमान जामी बुरहानपुरी ने कहा कि मर्जी आका न हो, तैबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाएंगे हम और चली जाएगी बस, ये आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाएंगे हम और चली जाएगी बस, दौड़ते रह जाएंगे हम और चली जाएगी बस। तो आइए इसी फिक्र की